यदि कहीं पर आग लग जाए तो हमें उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसके बचाव के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए? आग क्यों लगती है? आखिर आग क्यों लगती है? फायर एक्सटिंगुइशर, अग्निशामक यंत्र क्या होता है? और आग लगने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानेंगे सब कुछ, तो चश्मा उतारिए, दुनिया देखते हैं खुली आंखों से। नमस्कार दोस्तों, कहीं पर भी आग लगने पर उससे बचाव के तरीके और उपाय और सावधानी से पहले हमें ये बात समझनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि दुनिया में हर एक काम को करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है और किसी भी काम को वैज्ञानिक तरीके से करने पर वह बहुत ही आसान और त्वरित हो जाता है। सबसे पहले हम आग को बुझाने का वैज्ञानिक तरीका समझते हैं। आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग करने पर आग बुझ जाती है। आग पर पर्याप्त मात्रा में पानी की बौछार पड़ने पर ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति की कमी हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग को बुझाया जा सकता है। आग लगने पर हमें क्या प्रबंध करना चाहिए? कुछ सुरक्षा के उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आग लगने पर आपके काम आ सकते हैं। नंबर एक, आग लगने पर आपको सर्वप्रथम 101 नंबर पर कॉल कर सूचना दे देनी चाहिए। और नंबर दो, आपको इमारत की फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देना चाहिए, जिससे उस बिल्डिंग में उपस्थित सभी लोगों को यह ज्ञात हो जाए कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है। नंबर तीन, आपको आग लगने के टाइम या लगने के बाद आपको कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको सीढ़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। कहीं भी आग लगने पर उसे बुझाने के लिए सबसे उपयोगी अग्निशामक यंत्र ही होते हैं। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि अग्निशामक यंत्र क्या होता है और उसे कैसे प्रयोग किया जाता है और अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अग्निशामक यंत्र कुल 5 या 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक, जल से भरा अग्निशामक यंत्र, नंबर दो, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा अग्निशामक यंत्र, नंबर तीन, शुष्क चूर्ण से भरा अग्निशामक यंत्र, नंबर चार, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC से भरा अग्निशामक यंत्र, नंबर पाँच, गैस कारतूस से भरा यंत्र, नंबर छः, रेत से भरी बाल्टी वाला अग्निशामक यंत्र। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से अग्निशामक यंत्र का किस प्रकार की आग को बुझाने में हमें प्रयोग करना है, यह भी जानकारी हमें होनी अति आवश्यक है। आग कितने प्रकार से लगती है और उसे बुझाने के लिए सबसे उपयोगी अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है, आइए जानते हैं। यदि आग लकड़ी, कागज, कपड़ा और जूट आदि से लगी है तो उसे बुझाने के लिए सबसे उपयोगी जल से भरा अग्निशामक यंत्र होता है। यदि आग डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तथा तरल ज्वलनशील पदार्थ से लगी है तो उसे बुझाने के लिए फोम टाइप ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना सबसे उचित होता है। यदि आग LPG, CNG आदि ज्वलनशील गैस से लगी है तो उसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अर्थात शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे वह बहुत ही आसानी से बुझ जाती है। यदि किसी होटल, फैक्ट्री या घर में आग बिजली की मशीन, वायरिंग अथवा उपकरणों से लगी हुई है तो उसे बुझाने के लिए सबसे बेहतर उपाय कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना उचित होता है। इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें मुख्य बिजली संचालन को काट देना चाहिए, जिससे आग बुझाने में बहुत ही आसानी होती है।
यह जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर कमेंट में अपनी राय भी दें। धन्यवाद।